आज लेके आए हैं नो ऑनियन नो गार्लिक रेसिपी। बनाएंगे बहुत ही टेस्टी कॉलीफ्लावर ग्रेवी रेस्टोरेंट स्टाइल, जिसके लिए सुपर टेस्टी ग्रेवी बनेगी तिल और काजू के साथ। तो आइए चेक करते हैं इंग्रेडिएंट्स। तो इसके लिए मेन इंग्रेडिएंट हमें चाहिए कॉलीफ्लावर। तो सबसे पहले कॉलीफ्लावर के जो फ्लोरेट्स हैं उनको हम तोड़ के अच्छे से क्लीन करके वॉश कर लेंगे। 1 से 2 मिनट लाइटली इसको फ्राई करेंगे और हम ले लेंगे सेसमे सीड्स यानी कि तिल, जिसको हमने अच्छे से ड्राई रोस्ट कर लिया है। तो बाकी इंग्रेडिएंट्स में हमें अब चाहिए ग्रीन चिली, थोड़ी सी शक्कर, थोड़ी सी जिंजर, काजू और ले लेंगे ड्राई चिली, टमाटर, बे लीफ और थोड़ी सी किशमिश। नज़र डालेंगे बाकी मसालों पे, तो हमें चाहिए थोड़ा सा ब्लैक पेपर, नमक, गरम मसाला और लेंगे सिनेमन स्टिक्स, इलायची, लेंगे प्लेन खट्टा दही और ले लेंगे जीरा यानी कि क्यूमिन सीड्स, थोड़ी सी जीरा पाउडर, चिली पाउडर, टर्मरिक पाउडर। सारे के सारे आप देख सकते हैं बहुत कॉमन स्पाइसेस हैं। और हमें चाहिए होगी थोड़ी सी घी और रिफाइंड या फिर कैनोला ऑयल। तो आइए झटपट करते हैं स्टार्ट। पहले ले लेंगे एक मिक्सर जार। तो ग्रेवी के लिए सबसे पहले बनाएंगे एक स्पाइस पेस्ट। ऐड करेंगे चॉप्ड टोमेटोज, काजू, किशमिश, ड्राई रोस्टेड सेसमे सीड्स यानी कि तिल सीड्स, ग्रेट किए हुए जिंजर। काफी कलरफुल और अच्छा लग रहा है, राइट? ओके, इसमें फर्दर ऐड करेंगे एक ग्रीन चिली। अलग से पानी डालने की जरूरत नहीं है, मिक्सर जार में अच्छे से इसको पेस्ट बनाएंगे। तो आप देख सकते हैं ग्रेवी के लिए ये जो स्पाइस पेस्ट है ये बनके रेडी हो चुकी है। अलग से ले लेंगे एक मिक्सिंग बाउल और उसमें ऐड करेंगे फ्रेश कर्ड। उसमें फर्दर हम ऐड कर लेंगे सारे पाउडर मसाले, थोड़ी सी सॉल्ट, अच्छे से इसको मिला लेंगे। ग्रेवी में एक सुपर क्रीमी कंसिस्टेंसी लाने में ये कर्ड मिक्स हेल्प करेगी। ऐड करेंगे थोड़ी सी शक्कर, अच्छे से मिला लेंगे। तो इसके बाद मिक्सर जार में हमने जो स्पाइस पेस्ट बना के तैयार किया था उसको इसके साथ अच्छे से ऐड करेंगे और बहुत अच्छी तरीके से इसको मिला लेंगे। ऐड करेंगे थोड़ा सा पानी। ब्लेंड करने के बाद अब बारी आती है कॉलीफ्लावर को अच्छे से इस पेस्ट में मैरिनेट करने का। तो अच्छे से मिलाएंगे। तो आप देख सकते हैं ओवन में डालने से पहले ही एकदम से सुनहरा कलर आ चुका है, रेडी टू कुक है। तो चलिए मीडियम हीट में ऐड करेंगे पैन में थोड़ी सी ऑयल एंड 1/2 चम्मच घी, जीरा, तेज पत्ता, सूखी मिर्च, इलायची और दालचीनी को थोड़ा सा सॉटे करने के बाद ऐड कर देंगे कॉलीफ्लावर। लिड से कवर करके थोड़ी देर इसको अच्छे से पकने देंगे। ऐड करेंगे थोड़ा सा पानी। रेसिपीज की जब बात आए तब मम्मी, दादी या नानी की रेसिपी हमेशा से सुपर हिट ही कहलाती है और ये स्पेसिफिक रेसिपी इज डायरेक्टली फ्रॉम माय मदर्स किचन। ग्रीन चिली से गार्निश करेंगे एंड इट इज रेडी टू बी सर्व्ड। राइस या रोटी के साथ करिए एंजॉय। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। थैंक यू सो मच एवरीवन फॉर वॉचिंग।